थिंग निकालनी है और स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ बॉय सेव्स रुपीज 3.75, एक लड़का है जो डेली का 3.75 रुपीज सेव करता है, तो हमने निकालना है लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच ही विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। हमने लीस्ट नंबर ऑफ डेज निकालने, कितने दिन होंगे जब उसकी जो अमाउंट है वो प्रॉपर रुपीज में आ जाए, डेसिमल्स में ना आए। तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं ईच डे, कि हर एक दिन में वो कितना सेव करता है। ईच डे इज इक्वल टू रुपीज 3.75 है। अगर हम टू डेज के लिए निकालें इन टू डेज, तो टू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 7.50 रुपीज, 7.50। नेक्स्ट अगर इसको हम डबल करेंगे तो हमें पता है हमारे पास राउंड फिगर आ जाएगी 15, दैट मीन्स 4 days। इन 4 days तो हमारे पास आता है 4 × 3.75, दैट इज इक्वल टू रुपीज 15। इस तरह से हमारे पास ये जो है राउंड फिगर में आ जाता है रुपीज 15। तो कितने डेज में वो आया, 4 days में, तो हमारा आंसर आएगा 4 days। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है हमारे पास, फाइंड द लोएस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, हमने लोएस्ट नेचुरल नंबर निकालना है जो डिवाइड होता है 14, 49, 84, 63 और वो रिमाइंडर लीव करता है 3 इन ईच केस, हर एक केस में 3 रिमाइंडर जो है वो लीव करता है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, जो 4 नंबर्स हमारे पास गिवन है 14, 49, 84, 63, तो उसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट कंबाइंड मेथड से, 14, 49, 63, 84। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 7 14, 2 42 अगेन बाय 2, 21 42। देन हम 3 से कर सकते हैं, 3 21 63, 3 7 21। देन अगेन हम 3 से कर सकते हैं, 49 एज इट इज रहेगा, 3 7 21, देन बाय 7 7 7 7 7 49, लास्ट अगेन 7 से हमारे पास इसका रिमाइंडर हो सबका 1 आ जाता है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम जो है, जब हम इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 1764। ये हमारे पास इसका एलसीएम आता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि लीव्स रिमाइंडर 3, इसलिए हमने क्या करना होता है उसके अकॉर्डिंग हमने जो 3 है इस एलसीएम में प्लस कर देना होता है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 1767, इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ जाता है, रिक्वायर्ड नंबर जो था हमारे पास।